जय हिंद बच्चों, आइए आज हम जलवायु पाठ का अगला भाग समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें हम पहले अलग अलग ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे। परंतु इससे पहले हम भाग एक में जो पढ़ चुके हैं उसके बारे में संक्षेप में जानते हैं। जैसे हमने मौसम के बारे में पढ़ा था, उसके तत्व जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण और जलवायावी को नियंत्रित करने वाले 6 कारक जैसे अक्षांश, तुंगता, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण। बच्चों, हमने मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी पढ़ा था। इसके साथ ही मानसून का आगमन कब होता है और इसकी वापसी कैसे होती है, आज हम भारत की विभिन्न ऋतुओं के बारे में पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि भारत की जलवायु मानसूनी है। मानसूनी जलवायु की विशेषता को एक मौसम का ही दूसरा रूप भी कह सकते हैं। एक ऋतु से दूसरी ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, जिसे हम महसूस करते हैं। जैसे गर्मी की ऋतु का हमें एहसास होता है, उसी तरह शीत ऋतु का भी अनुभव हम महसूस करते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन ज़्यादातर देश के आंतरिक भागों में दिखाई देते हैं, जबकि तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, परंतु वहाँ वर्षा के प्रारूप में भिन्नताएँ दिखाई देती हैं। बच्चों, भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। आपने भी अलग अलग ऋतुओं को महसूस किया होगा, जैसे शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मानसून का आना और मानसून का वापस चले जाना। अलग अलग क्षेत्र होने के कारण कुछ विभिन्नताएं भी देखी जा सकती हैं। आइए सबसे पहले हम शीत ऋतु के बारे में पढ़ते हैं। उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से शुरू होकर फरवरी तक रहती है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर और जनवरी में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर जाएंगे, तापमान घटता जाता है या कम होता जाता है। जैसे पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदान में यह तापमान 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। दिन गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती हैं। उत्तरी भाग में तुषारापात होना सामान्य है। तुषारापात का अर्थ है पाला पड़ना, और हिमालय के ऊपरी ढाल पर हिमपात होता है, अर्थात बर्फ गिरती है। बच्चों, शीत ऋतु में देश में व्यापारिक पवनें भी प्रवाहित होती हैं, जिनके बारे में हम पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। ये पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, इसलिए देश के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क या सूखा रहता है। इन पवनों के कारण ही तमिलनाडु के तट पर कुछ मात्रा में बारिश होती है, क्योंकि यहाँ ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्चावच का क्षेत्र बन जाता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर बहती हैं, और उच्चावच से प्रभावित होकर ये पवनें पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा की घाटी में बहती हैं। शीत ऋतु में ज़्यादातर मौसम में आसमान साफ रहता है, तापमान कम रहता है, आर्द्रता भी कम रहती है तथा पवनें शिथिल या धीमी और परिवर्तित भी होती रहती हैं। इसके अलावा शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभों का आना एक विशेष लक्षण कहा जा सकता है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है और पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण ही शीत ऋतु में मैदानी इलाकों में वर्षा होती है और पर्वतों पर हिमपात होता है, जिसकी उस समय बहुत आवश्यकता होती है। शीतकाल में बारिश का होना महावट कहलाता है, इसकी मात्रा बहुत कम होती है।
परंतु यह रबी की फसल जैसे गेहूं आदि के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। प्रायद्वीपीय भाग में शीत ऋतु के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि समुद्री हवाओं के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान में बिल्कुल ना के बराबर परिवर्तन होता है। बच्चों, आइए अब ग्रीष्म ऋतु के बारे में समझते हैं। वैसे तो आप सभी इसके बारे में परिचित ही होंगे। सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। भारत में मार्च से मई तक ग्रीष्म ऋतु रहती है। ताप पट्टी के खिसकने का पता अलग अलग अक्षांशों पर मार्च से मई तक रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया गया है। मार्च में दक्कन का पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल में गुजरात और मध्य प्रदेश का तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस होता है और मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान लगभग 45 डिग्री होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। देश के उत्तरी भाग में गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ जाता है तथा वायु दाब में कमी आती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर तक एक कम दाब वाला लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। हवा का प्रभाव इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है। बच्चों, गर्मी के मौसम में धूल भरी एवं शुष्क हवाएं चलती हैं जो दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं। कभी कभी ये देर शाम तक भी चलती रहती हैं, जिसे लू कहा जाता है। आप शायद इससे भली भांति परिचित भी होंगे। इस हवा के कारण लोग बीमार भी हो जाते हैं। उत्तरी भारत में मई के महीने में धूल भरी आंधियां भी चलती हैं। इन आंधियों के कारण तापमान में कमी आती है और ये अपने साथ ठंडी हवा एवं कभी कभी इसके साथ हल्की वर्षा भी होती है। बच्चों, आपने अनुभव किया होगा कि गर्मी के मौसम में अचानक तीव्र हवाएं चलने लगती हैं, बादल गरजते हैं और मूसलाधार बारिश भी होती है। कहीं कहीं ओले भी गिर जाते हैं। ये सब ज़्यादातर बैसाख के महीने में देखा जाता है। इसी कारण पश्चिमी बंगाल में इसे काल बैसाखी कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में ज़्यादातर पूर्व मानसूनी बारिश होती है, यानी मानसून के आने से पहले। इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है, क्योंकि इसी वर्षा के कारण आम जल्दी ही पक जाते हैं। बच्चों, आइए अब हम तीसरी ऋतु अर्थात वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ते हैं, जिसे मानसून का आगमन भी कहा जाता है। उत्तरी मैदानों में जून के प्रारंभ में निम्न दाब की अवस्था बहुत तेज हो जाती है और यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। ये दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें दक्षिणी समुद्रों के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं, वार्म सब ट्रॉपिकल एरिया। ये पवनें महासागर के ऊपर से होकर गुजरती हैं, इसलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत ज़्यादा मात्रा में नमी लाती हैं। ये पवनें बहुत तेज होती हैं, लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलती हैं। उत्तर पूर्वी के सबसे आखिरी भाग को छोड़कर ये पवनें देश के पूरे भाग में लगभग एक महीने में पहुंच जाती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में आना यहाँ के मौसम को पूरी तरह बदल देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिमी घाट के पवन मुखी भागों में भारी वर्षा होती है, विंडवार्ड साइड लगभग 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा। दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी वर्षा होती है, जबकि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं जहां 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है।
इस मौसम की वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। खासी पहाड़ियों के दक्षिणी श्रृंखलाओं में मौसिनराम स्थित है, जहां विश्व में सबसे अधिक बारिश होती है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में बारिश बहुत कम होती है। बच्चों, मानसून से संबंधित एक अन्य घटना भी है, जिसे वर्षा में विराम कहा जाता है। इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के विराम होते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों के लिए ही होती है। इनमें कुछ समय में बारिश नहीं होती है। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। मानसूनी गर्त उसे कह सकते हैं जो बारिश करवाने में सहायक होते हैं या जिसके कारण बारिश होती है। अनेक कारणों से ये गर्त एवं इसकी धुरी या अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा के वितरण का पता चलता है। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है, तब इन भागों में अच्छी बारिश होती है, और जब यह अक्ष हिमालय के करीब चला जाता है, तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है। तब हिमालय की नदियों के पर्वतीय जल ग्रहण क्षेत्रों में बहुत वर्षा होती है। भारी वर्षा के कारण ही मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ें आती हैं, जिससे जान एवं माल का बहुत नुकसान होता है। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसून बारिश की मात्रा और समय को निर्धारित करती है। यह निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है और मुख्य स्थलीय भाग को पार कर जाता है। यह गर्त निम्न दाब के मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए भी जाना जाता है। शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति एवं समय काल में भिन्नता होती है। इसके कारण ही एक भाग में बाढ़ आती है और दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। मानसून का आना और जाना ज़्यादातर अव्यवस्थित होता है, इसलिए यह कभी कभी देश के किसानों के कृषि कार्यों को अव्यवस्थित कर देता है, क्योंकि आज भी बहुत से किसान कृषि कार्यों के लिए मानसून पर ही निर्भर होते हैं। बच्चों, आइए देखते हैं कि मानसून की वापसी कब होती है। इसे पर्वतनीय मौसम भी कहते हैं। अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है या कमज़ोर पड़ जाता है, और इसका स्थान धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली ले लेती है। दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाता है और धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं, और अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती हैं। अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मानसून की वापसी होने के कारण आसमान साफ रहता है, तापमान में वृद्धि होती जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है, जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होती हैं। स्थल आर्द्र ही रहता है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता के कारण दिन का मौसम असहनीय हो जाता है। बच्चों, इसे कुआर की उमस के नाम से भी जाना जाता है। अक्टूबर के शुरुआत से ही उत्तर भारत का तापमान तेजी से कम होने लगता है। बच्चों, शायद आप जानते होंगे कि विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश मौसिनराम में होती है। अक्टूबर के बाद नवंबर के शुरू में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है या शिफ्ट हो जाती है।
और यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब वाली अवस्था से संबंधित होता है जो अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। ये चक्रवात ज़्यादातर भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं जिसके कारण वहाँ भारी वर्षा होती है, प्रायः विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के घनी आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं जिनके कारण बहुत ज़्यादा लोगों की जान एवं माल का नुकसान होता है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों एवं अवदाब से होती है। बच्चों आइए अब वर्षा के वितरण के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि वर्षा कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा होती है तथा कुछ क्षेत्रों में कम होती है। जैसे पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वर्षा एक वर्ष में होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान एवं इससे लगे हुए पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसी प्रकार दक्षिणी पठार के अतिरिक्त भागों एवं सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा कम होती है। जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है। देश के बाकी हिस्सों में वर्षा की मात्रा मध्यम होती है। हिमपात हिमालय क्षेत्रों में ही होता है। मॉनसून की प्रकृति के कारण एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाली वार्षिक वर्षा की मात्रा में भी अंतर होता है। वर्षा की विषमता ज़्यादातर निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेशों में अधिकतर पाई जाती है। अतः ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ें अधिक आती हैं और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका बनी रहती है। बच्चों आइए देखते हैं कि मॉनसून को एकता का परिचायक क्यों कहा जाता है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। इसके कारण ही उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में हमेशा ऊंचा तापमान बना रहता है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण ना तो अधिक गर्मी पड़ती है ना अधिक सर्दी। तापमान की दिशाओं में भी बहुत कम अंतर पाए जाते हैं, परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मॉनसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। हवा की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतु की दशाएँ ऋतु चक्रों को लय प्रदान करती हैं। वर्षा की अनिश्चितता तथा इसका असमान वितरण मॉनसून का एक विशिष्ट लक्षण है। पूरे भारत की जमीन का दृश्य, यहाँ के जीव एवं वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उनके त्यौहार, उत्सव सभी इस मॉनसूनी लय के चारों ओर ही घूम रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक सभी भारतवासी प्रत्येक वर्ष मॉनसून के आने का इंतज़ार करते हैं। ये मॉनसूनी हवाएं हमें जल प्रदान करती हैं तथा कृषि के कार्यों में तेजी लाती हैं और पूरे देश को एक सूत्र में बांधती हैं। नदी घाटियां जो इन जलों का संवहन करती हैं उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया जाता है। बच्चों आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों हमने जलवायु के दूसरे भाग में ऋतुओं के बारे में पढ़ा, जैसे शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु के साथ मॉनसून का आना और फिर मॉनसून का वापस जाना। इन सब के बारे में हमने बहुत विस्तार से पढ़ा और इसके साथ ही हमने वर्षा के वितरण के बारे में पढ़ा कि पूरे राज्यों में या पूरे देश में बारिश
एक जैसी नहीं होती है। कुछ जगहों पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, कुछ जगहों पर बारिश बहुत कम होती है। बच्चों, मौसम और जलवायु में कुछ अंतर भी दिखाई देता है। जैसे मौसम और जलवायु के आधारभूत लक्षण एक जैसे ही हैं, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, दाब, हवाएं, धूप और बादल, परंतु फिर भी दोनों में कुछ अंतर अवश्य दिखाई देते हैं। जैसे मौसम अल्पकालीन परिस्थितियों को दर्शाता है और जलवायु एक लंबे समय के वातावरण को दर्शाता है। दूसरा अंतर है, मौसम निरंतर परिवर्तनशील है, कभी धूप हो सकती है और थोड़े समय के बाद छाया आ सकती है। इसमें धूप और छाया का चक्कर चलता रहता है। कभी आकाश में बादल आ सकते हैं और अगले पल आकाश साफ हो जाता है और धूप चमकने लगती है। मौसम का संबंध एक विशेष स्थान से होता है, जैसे दिल्ली में वर्षा हो रही है, मुंबई में आकाश साफ है, परंतु जलवायु में एक लंबे समय के वातावरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जैसे दिसंबर जनवरी में उत्तरी भारत में शरद ऋतु होती है और जून जुलाई में गर्म ऋतु। मौसम के आंकड़े वास्तविक निरीक्षण पर आधारित हैं, परंतु जलवायु के आंकड़े कई उतार चढ़ाव को देखकर बनाए जाते हैं। यह 2 महीने, 4 महीने या पूरे वर्ष से भी संबंधित हो सकते हैं। इसमें सभी चीज़ों को जोड़कर उनका अनुपात निकाला जाता है। इसी प्रकार से उत्तर पूर्वी मानसून और पीछे हटते हुए मानसून में भी अंतर दिखाई देता है। जैसे उत्तर पूर्वी मानसून में दिसंबर से फरवरी तक की अवधि में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलने वाली हवाओं को उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं और पीछे हटते हुए मानसून में अक्टूबर से ही दक्षिण पश्चिमी मानसून की तीव्रता कम होने लगती है। नवंबर के अंत तक ये हवाएं देश के दक्षिणी भाग को भी छोड़ देती हैं। इन पीछे हटती हुई मानसूनी हवाओं को लौटता हुआ मानसून कहते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून में पूर्वी तटीय भाग को छोड़कर इस अवधि में देश के शेष भागों में आकाश स्वच्छ, तापमान और आर्द्रता कम, मंद समीर तथा वर्षा रहित सुहावना मौसम रहता है। और पीछे हटते हुए मानसून में चक्रवात और अधिक गति प्रदान करते हैं, जिससे तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून में हवाएं शीतकाल में स्थल से चलने के कारण शुष्क एवं ठंडी होती हैं। पीछे हटते हुए मानसून में हवाएं स्थलीय शीतल तथा सामान्य आर्द्रता से युक्त होती हैं और धीरे धीरे भारत भूमि में लौटती हैं। उत्तर पूर्वी मानसून में हवाएं शीतकाल में देश के उत्तरी भागों में उच्च दाब की स्थिति पैदा होने के कारण देश के भाग से बाहर की ओर बहने लगती हैं। पीछे हटते हुए मानसून में उत्तर पश्चिमी भारत का निम्न दाब वाला क्षेत्र नवंबर के महीने में बंगाल की खाड़ी में स्थानांतरित हो जाता है। इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इन्हें करने की कोशिश करिए। प्रश्न नंबर 1 है, भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? प्रश्न नंबर 2, जेट धाराएं क्या हैं तथा वे किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं? प्रश्न नंबर 3, उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है? प्रश्न नंबर 4, तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है, कारण बताएं। प्रश्न नंबर 5, भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा एवं उसकी विशेषताएं बताएं। प्रश्न नंबर 6, भारत की जलवायु अवस्थाओं की क्षेत्र विभिन्नताओं को उदाहरण सहित समझाएं। धन्यवाद बच्चों।